हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आरसे एजुकेशन हब बानसूर। तो चले बेटा कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 1 द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके बेटा, और द लिविंग वर्ल्ड। तो इससे पहले देखिए हम काफी सारे टॉपिक चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं, व्हाट आर लिविंग एंड वी डिस्कस अबाउट देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। और हमने बात की थी कि तीन जो मेन प्रॉपर्टीज है वो उसकी क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है। इज दैट क्लियर? तो उनको स्पेशली आप याद रखेंगे बेटा, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज को। एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। ओके, टैक्सोनॉमी में हमने डिस्कस किया था आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन आता है। सिस्टमैटिक्स में हमने डिस्कस किया था कि जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स, दैट इज डिस्कस्ड और स्टडी अंडर द ब्रांच ऑफ साइंस दैट इज नोन एज सिस्टमैटिक्स। ओके, इसके बाद हमने डिस्कस किया था टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ओके, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में मैंने आपको एक सेंटेंस भी बताया था, उसके बेसिस पे आप याद कर सकते हैं, जिसमें आपको सारी की सारी कैटेगरीज असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में लर्न करनी है। ओके, उसके बारे में हमने कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस किए थे, और मैंने आपको सेंटेंस बताया था किंग्स पीपल डाई कॉज ऑफ द ग्रीन फाइव ग्रीन स्नेक्स। ओके, किंग्स पीपल डाइड कॉज ऑफ फाइव ग्रीन स्नेक्स। ओके, तो उसके बेसिस पे आप जो भी है स्पीसीज है, जीनस है, सारे क्लास ऑर्डर फाइलम वगैरह वो सब आप लर्न कर सकते हैं। अब देखिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज हम इसको कंप्लीट कर देंगे चैप्टर को, दो वीडियोस होंगे आपकी। तो फर्स्ट है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, हमने डिस्कस किया था कि जब हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन, यानी जब हम टैक्सोनॉमी की बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन, तो आइडेंटिफिकेशन में आपको याद होगा हमने क्या किया था, उसका डिस्क्राइब्ड फीचर्स की बात की थी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ओके, उसके डिस्क्राइब्ड फीचर्स की हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन में। सेकंड जो पॉइंट था वो था हमारे पास नोमेनक्लेचर, और नोमेनक्लेचर में मैंने आपको बताया था देखिए ऑर्गेनिजम्स के उसको लोकल नेम होते हैं, जिनको हम वर्नाकुलर नेम बोलते हैं, जो उस स्पेसिफिक प्लेस पे बोला जाता है। इज दैट क्लियर? उसके अलावा सेकंड नेम आता है उसका कॉमन नेम, कॉमन नेम मीन्स जो जनरली अप्रोक्सीमेटली एक कंट्री में जिसका यूज करते हैं, और एक होता है उसमें साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम। इज दैट क्लियर? तो ये जो साइंटिफिक नेम है इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है बेटा, बिकॉज साइंटिफिक नेम का मतलब क्या होता है कि साइंटिफिक नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड रिमेन सेम। आप दुनिया के किसी भी कॉर्नर में चले जाओ, किसी भी कंट्री में, किसी भी सिटी में चले जाओ, तो साइंटिफिक नेम होंगे दे आर ऑलवेज सेम। ओके, और ये जरूरी था कि साइंटिफिक नेम हर एक ऑर्गेनिजम्स का एक साइंटिफिक नेम हो, ताकि आइडेंटिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो एंड एवरीबॉडी कैन नोन बाय इट्स साइंटिफिक नेम। ओके, तो सबसे पहले जो साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम था दैट इज गिवन बाय द कैरोलस लिनियस। ओके, कैरोलस लिनियस या लिनियस, अंडरस्टैंड बेटा? यानी जो साइंटिफिक नेम है दैट इज कंसिस्ट ऑफ टू लेटर्स, दैट वाइज दैट इज नोन एज बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बाय मींस टू, नोमियल मींस व्हिच कंटेनिंग द टू मेन नेम्स। ओके, एंड नोमेनक्लेचर मींस नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। तो सबसे पहले जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर है दैट वाज गिवन बाय कैरोलस लिनियस। देखिए कैरोलस लिनियस इतने हम कह सकते हैं ही इज सो डेवोटेड टू हिज वर्क, मतलब इतने डाउटर थे कि उन्होंने अपना जो नाम था कार्ल वॉन लिन, ठीक है, इसको भी चेंज करके इन्होंने अपने नाम को भी टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, यानी टू नेम्स ही इन्होंने मेंशन किए, दैट इज कैरोलस लिनियस। तो चलिए बात करते हैं व्हाट इज बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब होता है एनी साइंटिफिक नेम इज कंसिस्ट ऑफ टू नेम्स। द फर्स्ट नेम इज denoted genus and second name denoted species, specific epithet या species epithet। Is that clear बेटा? Two names है, इसमें क्या होगा, first name consist of genus and second name is consist of species। Is that clear? ओके, अब इसमें बात आती है कि जो फर्स्ट नेम है दैट इज कंसिस्ट ऑफ जीनस एंड सेकंड नेम कंसिस्ट ऑफ स्पीसीज। ये जो नेम्स होते हैं दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज, ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज।
कौन सी लैंग्वेज से ड्राइव्ड है? लैटिन लैंग्वेज से. ओके, इसके कुछ रूल्स होते हैं. यानी पहला आपको समझ में आया कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर टू नेम से मिलकर बनता है. वन इज जीनस एंड अनदर इज स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीसीज नेम. ओके, दूसरी बात, ये जो नेम्स होते हैं किससे ड्राइव्ड होते हैं? लैटिन लैंग्वेज से ड्राइव्ड होते हैं. इनके लिखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं. दे आर ऑलवेज रिटन एज इटैलिक्स. इटैलिक्स मीन्स दे आर ऑलवेज रिटन इन रनिंग हैंडराइटिंग. ओके, थोड़े से आपको तिरछे लिखे हुए ये दिखाई देंगे. इज इट क्लियर? जैसे आपकी बुक में अगर प्रिंटेड है मैंगिफेरा इंडिका, ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये थोड़े से रनिंग हैंड में. अंडरस्टैंड? तो सबसे पहली बात है, ये जो नेम है दैट इज ऑफ जीनस एंड दिस नेम इज डिनोटेड द स्पीसीज. ओके ओके, और ये लिखे कैसे होते हैं? इटैलिक्स में. इटैलिक्स मीन्स थोड़े से तिरछे लिखे होते हैं. अगर ये हैंड रिटन होते हैं, इफ दीज आर हैंड रिटन, इफ दीज आर हैंड रिटन, अगर आप इनको हाथ से लिखते होते हैं, दे शुड बी और दे मस्ट बी शुड बी अंडरलाइंड सेपरेटली. दे शुड बी अंडरलाइंड सेपरेटली. क्लियर है? कहने का मतलब है, देखिए सबसे मेन बात है कि वो गिवन था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. सो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय द कैरोलस लीनियस एंड ही वाज सो डेविटेड. यानी अपने काम को उन्होंने इतना लाइक किया कि उन्होंने खुद का नाम भी चेंज करके टू नेम्स इन्होंने बना लिए, कैरोलस एंड लीनियस. ओके, सेकेंड थिंग है कि ये जो नेम्स होते हैं दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज. ओके, थर्ड थिंग है कि दे आर ऑलवेज रिटन इन इटैलिक्स. ओके, अगर वो प्रिंटेड है तो वो हमें इटैलिक्स थोड़े से तिरछे रनिंग करते हुए दिखाई देंगे. इफ दे आर हैंड रिटन, अगर उनको हम हाथ से लिखते हैं, देन दे शुड बी अंडरलाइंड सेपरेटली. मतलब मान लो, देखिए अगर ये वैसे प्रिंटेड होंगे तब तो ऐसे इटैलिक्स में होंगे, ठीक है, और अगर मान लीजिए हम इसको हाथ से लिखते हैं, मैंने अभी हैंड रिटन किया था, वी शुड अंडरलाइन देम सेपरेटली, तो हम उनको सेपरेटली अंडरलाइन कर देंगे. एक चीज और आपको क्लियरली समझ में आ रही होगी, जो जीनस का नेम है. ओके, जीनस नेम ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर. स्टार्ट विद कैपिटल लेटर. ओके, जीनस नेम हमेशा किससे स्टार्ट होगा? कैपिटल लेटर से. एंड व्हेनेवर स्पीसीज नेम इज स्टार्ट विद स्मॉल लेटर. ओके, यानी जो स्पीसीज नेम होगा, स्पीसीज नेम That is start with small letter already. Is that clear? Okay. तो ये चीजें बेटा आपको स्पेशली ध्यान में रखनी है related to the binomial nomenclature. कि सबसे पहले क्या है, it was given by the Carolus Linnaeus. Okay. And then it is known as scientific name. Okay. And it is consist of two names. One is genus. Okay. And another name is specific epithet. Okay. These are always written in italics if they are printed, and if they are handwritten, they should be underlined separately. Genus name always start with capital letter, whereas species name always start with small letter. Is that clear? एक बार इसको देखना बेटा. तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बेटा. एवरीथिंग शुड बी प्रॉपरली अंडरस्टैंड बाय यू. इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क. इसमें चलिए मैं एक दो एग्जांपल्स आपको जरूर बता देती हूँ. और इसमें एक चीज और स्पेशली जो आपको याद रखनी है, कैरोलस लीनियस ने जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में बताया था, दैट वॉज रिटन इन ए बुक दैट इज नोन एज सिस्टमा नेचुरा. ठीक है, सिस्टमा नेचुरा. ओके, अब एक दो एग्जांपल्स फटाफट देख लेते हैं. जैसे होमोसेपियंस, होमोसेपियंस, ठीक है, उसके बाद एक है आपके पास मेंजीफेरा इंडिका. मेंजीफेरा इंडिका, तो अभी मैंने रूल बताया था आपको, होमो इज द जीनस नेम एंड स्पीसीज, सेपियंस इज द स्पीसीज नेम. ओके, वैसे ये किसका है? ह्यूमन बींग का नेम, ह्यूमन का.
ठीक है, मैंजी फेरा इंडिका, ये किसका है? मैंगो का, मैंजी फेरा इंडिका ऑफ मैंगो। ओके, मैंजी फेरा क्या है? जीनस नेम है एंड इंडिका इज ऑफ स्पीसीज नेम। ओके, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? एजार डायरेक्टा इंडिका, एजार डायरेक्टा इंडिका, ये नीम का नेम है। ओके, नीम, अंडरस्टैंड? ऐसे बहुत से प्लांट होते बेटा, जैसे ओसिमम सैंक्टम तुलसी का है, अंडरस्टैंड? तो वो आपको प्रोसोपिस जो है आपकी, दैट इज नोन एज खेजड़ी, उसका है। तो वहां से नाम होते हैं, अंडरस्टैंड? तो आप इससे समझ के लेंगे होमो सैपियंस ह्यूमन बीइंग का है, मैंजी फेरा इंडिका मैंगो का है, एजार डायरेक्टा का इंडिका नीम का है। तो फर्स्ट नेम है वो जीनस का बना हुआ है, सेकेंड नेम है वो इट इज कंसिस्ट ऑफ स्पीसीज। ओके, सो दिस इज ऑल ओवर अबाउट योर बायनोमियल नोमेनक्लेचर। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क। हैव अ गुड डे।